हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि बहुत लोग मेरे से सीपीयू की कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने जैसे बोला था कि मेरा CHSL का DV हो जाएगा, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कट ऑफ बता दूंगा। बाकी मैंने पहले ITI भी लगाई थी, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था कि फिजिकल वाला, फिर बाद में रिजल्ट ही आ गया था। तो मैं बता देता हूँ, तो टोटल 15,740 बंदे क्वालिफाइड किए थे इन्होंने, और जो टोटल बंदे फिजिकल देने के लिए गए थे वो थे 68,364। बाकी यहाँ पे मैं लगा दूंगा। तो ऐसा है कि वैकेंसी इस बार है 4,300, जो कि अभी रिवाइज भी हो सकती है। तो 4,300 तो मान के चलो, वो जो लास्ट टाइम थी वो थी 1,564, तो अप्रोक्स 3 गुना हो गई है। मतलब 3 गुना से थोड़ी सी कम है, बट अप्रोक्स 3 गुना मान लीजिए, तो वैकेंसी 3 गुना हुई है। तो कट ऑफ में बहुत फर्क आएगा इस बार, और बहुत चीजें पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती है कि सेकेंड जो अपना मेन्स होने वाला है, जिसकी डेट 2 मई है, जो आ चुकी है, वो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो वो पेपर अपना 200 मार्क्स का होगा इंग्लिश का, तो उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है उसे मैं बता देता हूँ आपको। मैंने सब देख रखा है। जैसे लास्ट टाइम जो दिल्ली पुलिस के लिए कट ऑफ गई थी वो थी मेल की 334 और फीमेल की 310 गई थी। तो इस बार भी ऐसा ही है कि इस बार थोड़ा कम रहेगी कट ऑफ, जैसे 334 तो नहीं जाएगी, बट जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ 320 से 325 प्लस माइनस 5 तो चलेगा, तो इतनी रहेगी। और फीमेल की 305 है। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे सबसे कम कट ऑफ जो जाती है ना, वो जाती है CRPF की। मतलब ऐसे सबसे ज्यादा जाएगी दिल्ली पुलिस, फिर CISF, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी में सबसे पहले दिल्ली पुलिस ही होती है, बाद में सब CISF को डालते हैं। और CRPF की सबसे कम रहती है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज्यादा होती है और इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। तो लास्ट टाइम जो CRPF की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 284 गई थी, OBC की 264 गई थी, EWS की 256, SC की 225, ST की 334। इसमें क्या होता है, SC की कम जाती है और ST की ज्यादा जाती है, हर बार ही होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा। फीमेल की लास्ट टाइम मैं यहाँ पे लगा दूंगा सर, फीमेल की 300 गई थी UR की, और ST की गई थी 256, SC की गई थी 248। तो इस बार जो CRPF की कट ऑफ मेरे हिसाब से जो जा सकती है वो 280 तक जाएगी। मतलब आपके अगर 280 मार्क्स बन रहे हैं टोटल, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को। तो कोई भी, मतलब यही है कि अप्रोक्स 150 मार्क्स लेके चलो अपने मेन्स में, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, कोई भी आपको पोस्ट मिल जाएगी। बाकी ये तो जनरल के लिए, और ऐसे अगर SC वालों को, SC के लिए 230 भी मार्क्स आपके बन रहे, प्लस माइनस 5 रहेगा। और बाकी सब है कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते थे। तो अभी जो 50 मार्क्स का होता है CGL, CGL अपना, तो उसमें मेरा CGL, CHSL, और उनमें मेरे 50 में से 40-40 मार्क्स आने लग गए हैं। लास्ट टाइम भी आए थे और इस बार भी। तो पहले मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, तो मैंने इंप्रूव कर लिया। बाकी यही बुक्स फॉलो करता हूँ, इनके अलावा जो भी है मैं आपको बता दूंगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आया था है कि मेरे दो इंस्टाग्राम पे अलग चलता है। इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड करता हूँ, क्योंकि मेरा वो फिटनेस वाला है, वहाँ पे मेरे को मसल प्लेस का अलग से वो मिला हुआ है। तो मैं फिटनेस की जो भी है मैं बता देता हूँ वहाँ पे, कोई भी मेरे से पूछता है, और मैं इसलिए कमेंट का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो भी वहाँ पे भी आते हैं और यहाँ यूट्यूब पे भी आते हैं। तो कुछ कमेंट का ऐसा रह जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। बाकी कोशिश करता हूँ सारी कमेंट का रिप्लाई करूँ, और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो मैं उनका भी रिप्लाई करता हूँ, जो भी मेरे से डाइट वाइट पूछते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी मैं डाउट वगैरह सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।